मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को गति देने के लिए नई पहल की है। अब मुख्यमंत्री विभागों के मुख्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री सूचना निदेशालय और जलागम मुख्यालय पहुंचे। इस पहल के चलते अब विभागों की समीक्षा बैठक केवल सचिवालय में ही नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्री मुख्यालय में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य जिला, ब्लॉक, कार्यालय और निचले स्तर तक की इकाइयों को एक्टिव करना है। नहीं, सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे, जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है कि सारे लोग जो है, क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का उनके महत्व को समझें। और मैं स्वयं चूँकि राज्य का मुख्य सेवक हूँ, तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व वाले हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल हमारे साथ हैं। अवधेश नौटियाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को गति देने की इस नई पहल से विकास कार्यों को कितना बदलाव आएगा, इस पहल को और कैसे समझा जा सकता है? देखिए बिल्कुल रवि, ये बहुत ही अच्छी पहल है और लगभग जो विभागीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, आमजन भी इस पहल की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री जो है हर विभाग में जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री सूचना विभाग पहुंचे, सूचना विभाग में लगभग 5.5 घंटे से अधिक जो है वो सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूद रहे, बैठक ली, तमाम सूचना विभाग की जो योजना है उनका हुआ। इसके साथ ही जो सूचना विभाग के तमाम जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर उन्होंने सबका निरीक्षण किया। जब जलागम पहुंचे वहां पर भी जो है तमाम जो बैठक हुई, कार्य योजनाएं निर्धारित की गई, तमाम जो अभी तक की जो कार्य योजनाएं है, चाहे वर्ल्ड बैंक के साथ जलागम के काम हो, चाहे सारा की योजना, वहां पर बैठक हुई। इसके साथ ही जो कार्यालय और कर्मचारी से मिले, देखिए इसके ये एक तरह से एक बैठक के साथ साथ दो काम हो रहे हैं। एक काम कि जो विभागीय स्तर पर विभाग के कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं, वहां का ऑफिस का रखरखाव कैसा है, वहां पर कर्मचारी कोई दिक्कत कोई समस्याएं तो नहीं है, क्योंकि हर कर्मचारी सचिवालय नहीं पहुंच सकता है। जब सचिवालय में बैठक होती है तो सचिव लेवल के अधिकारी आते हैं या विभाग अध्यक्ष आते हैं या उनके दो चार महातत्व आते हैं, लेकिन अब जब इस तरह की बैठकें अगर विभागीय स्तर पर होंगी, विभाग के मुख्यालय में होंगी, तो हर कर्मचारी बैठक का हिस्सा बनेगा। हर जो योजना की जो जानकारी सीएम को चाहिए, जो ग्रास रूट की जानकारी मुख्यमंत्री को चाहिए कि धारचूला के उस गांव में योजना पहुंची कि नहीं पहुंची, या जलागम की जो वर्ल्ड बैंक की योजना कालचीन चकोता में शुरू की गई थी उस योजना का क्या असर है, तो अधिकारी ये भी कह सकते हैं कि बाद में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जब विभाग के सारे अधिकारी वहां बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल। अच्छा अवधेश, इसमें एक नई बात ही आई है कि जो छोटी इकाइयां हैं वो एक्टिव होंगी, इसको लेकर किस कैसे समझा जा सकता है? देखिए इसको लेकर ऐसा समझा जा सकता है कि जब खुद मुख्यमंत्री विभाग में बैठेंगे तो विभाग में तमाम अधिकारी जब उस जलागम विभाग से जुड़े हुए या सूचना विभाग से जुड़े हुए सारे अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, उनसे जानकारियां प्राप्त की जाएंगी कि आपके क्षेत्रों में किस तरह की योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। जब सचिवालय में बैठकें होती है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन में सचिव लेवल के अधिकारी या विभाग अध्यक्ष शिरकत करते हैं, लेकिन जब विभाग के अंदर बैठक होगी तो वहां पर ग्रास रूट का, वहां ब्लॉक का अधिकारी मौजूद होगा, वहां जिले का भी होगा, तो तहसील का भी होगा, सब होगा। तो जब मुख्यमंत्री उस विभाग के पूरा वहां पर पूरा समय देंगे, चीजों को समझेंगे, तो जाहिर सी बात है जो योजनाओं की ग्रेविटी है वो समझेगी। जैसे आप जलागम की बैठक को लेकर रहिए, एक बहुत अच्छा फैसला हुआ कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दो नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा, बिल्कुल जो दो नदियां सूख चुकी हैं उनको पुनर्जीवित देने का। बिल्कुल ठीक है आपने अवधेश नौटियाल, कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो बदलाव होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने विस्तार से आपने इसमें बताया, बहुत शुक्रिया आपका।